हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गरम थाली में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रहा हूँ गवार फली की सूखी सब्जी एक अलग स्टाइल से। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले गैस चालू करके, गैस के ऊपर मैंने एक रखा है कढ़ाई। अब इसके बाद यहाँ पर तकरीबन 250 ग्राम मैंने फ्रेश गवार फली को अच्छे से धो के और इस तरीके से बारीक कट करके पहले से रखे थे, इसको हम कढ़ाई के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे। तकरीबन 1 मिनट चम्मच की सहायता से इसको घुमा लेंगे। जैसे ही थोड़ा सा ये गवारफली गर्म होती, इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो गवारफली है ये सेहत के लिए हेल्दी होती है, तो ये खाना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए धीरे धीरे इसका कलर बदली हो चुका है और ये हमारी गवार फली रोस्ट हो चुकी है। रोस्ट इसलिए करना है कि एक तो सब्जी की टेस्ट बढ़ता है और लास्ट में पकने में मदद होती है। इसके बाद दोबारा मैंने एक कढ़ाई रखी है। इसके बाद करेंगे तड़के की तैयारी। इसके लिए मैंने तकरीबन आधा चम्मच जीरा डाला है और तकरीबन 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। यहाँ भी आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर मैंने डाले एक बारीक कटा हुआ प्याज। इसको अच्छे तरह से मिक्स करते हुए प्याज को अच्छे तरह से भून लेंगे। इसके बाद यहाँ पर इस्तेमाल किया मैंने थोड़ा सा कड़ी पत्ता, इससे आपकी सब्जी की खुशबू भी अच्छी आएगी और आपका ये कड़ी पत्ता हेल्दी भी होता है। इसके बाद यहाँ पर डाला है मैंने तकरीबन आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे गैस को थोड़ा धीमी कीजिए। यहाँ पर एक बारीक कटा हुआ टमाटर यहाँ पर इसके अंदर ऐड किया मैंने, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे मैंने ऐड किया है तकरीबन 1 चम्मच सब्जी मसाला और 1 पिंच हल्दी। आप चाहे तो इसमें धनिया पाउडर और गरम मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ये तकरीबन आधा कटोरा अरहर की दाल है, मैंने 2 घंटे तकरीबन धो के और भिगोने के लिए रखी थी। ये जो दाल इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऑयल के अंदर ऐड करके इसको भी अच्छी तरह से मसाले के साथ भून लेंगे। इस स्टेज पे यहाँ पर डाला है मैंने तकरीबन आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और आधा चम्मच नमक। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा तकरीबन तड़का तैयार हो चुका है। इस स्टेज पे हम जो हमने गवार फली फ्राई करके रखी थी वो हमने इसके अंदर ऐड करनी है और इसको अच्छी तरह से दाल के साथ में और तड़के के साथ में मिक्स कर लेना है। ये देखिए नमक थोड़ा सा मुझे कम लगा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आधा चम्मच नमक और ऐड किया है। आप भी नमक आप अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मैंने आधी कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है। पानी का इस्तेमाल हम ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हम सूखी सब्जी बना रहे हैं। डाल के और इसको लीड बंद करके हम तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे ताकि अंदर जो स्टीम बनेगी, स्टीम की सहायता से हमारी सब्जी पक्के रेडी हो जाएगी। 2 मिनट बाद चेक कर लेते हैं। ये देखो कितनी शानदार सब्जी बन के रेडी है। ये सब्जी आप अपने ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हैं, बच्चा अगर स्कूल जा रहे हैं तो उसमें टिफिन में भी आप दे सकते हैं, सबको पसंद आएगी। इस तरीके से सब्जी आप बनाइए और कमेंट में आप बताइए। लास्ट में सब्जी का टेस्ट और बढ़ाने के लिए थोड़ा यहाँ पर मैंने एक आधे नींबू का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। देखिए इस तरीके से सब्जी बनाइए, खाइए और कमेंट करके बताएं सब्जी कैसी बनी है। अगर ये रेसिपी मेरी आपको अच्छी लगे तो इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।